हाँ जी बच्चों, हुण आपां नैक्सट एक्सरसाइज दी डेफिनेशन करांगे स्टार्ट। फर्स्ट डेफिनेशन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, टू लाइन्स एल एंड एम इंटरसेक्ट इफ दे हैव ए पॉइंट इन कॉमन, दिस कॉमन पॉइंट ओ इज देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ जी बच्चों, एदा मतलब की आ, वेखो इस तरह एड या टू लाइन से गया ना, ए टू लाइन दसी है ना एल ते एम। ठीक है, वो इंटरसेक्ट कर दी पी ओ पॉइंट ते, कर दी पी ना ओ पॉइंट ते, ते जिहड़ी ओ पॉइंट जिहड़ा वा ए दोनों दा कॉमन है, एल दा भी ओ ही ए पॉइंट आ ते एम दा भी ओहो ही पॉइंट आ। ठीक है, ए कोल जिहड़ा इन्हां दा कॉमन पॉइंट हुंदा वा उहनूं आपां बोलांगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ बच्चो, डेफिनेशन देखो ट्रांसवर्सल दी। ठीक है, हाँ तुसी आ फिगर्स देख रहे हो ना, तिने फिगर देख रहे हो। ठीक है, ये मैं तिना फिगर तो ही तुहानू समझावांगी। ठीक है, कहिंदा ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। हाँ जी बच्चो, इसका मतलब की आ कि एक लाइन जिहड़ी दो जां दो तो वध बिंदु दो तो वध दित्ती गई लाइना नू वख वख पॉइंटा ते इंटरसेक्ट कर दी है, उन्हूं बोल दिया ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, हाँ जी वेखो, हुण एक लाइन आ एल। ठीक है, उन्हें कहे एक लाइन, वो कहड़ी लाइन आ एल हैगी आ। ठीक है, दो जां दो तो वध। ठीक है, इहदे वेखो आ दो लाइना लई है। ठीक है, इहदे च किन्नी लई है तीन, आपे दो जां दो इच किने लई है एक दो तीन चार, आपे कहना दो जा दो तो वध। ठीक है, ते ट्रांसवर्सल लाइन इच केड़ी आ एल, इच के की आ एल, ए भी की आ एल। ठीक है बच्चो, हाँ जी इहदे विच भी वख वख बिंदुआं ते कट्टन दई है, मतलब एम नूं ए ते कट्टन दई आ, एन नूं बी ते कट्टन दई आ। इसे तरह इत्थे एम नूं ए ते कट्टन दई आ, एन नूं लाइन नूं बी ते कट्टन दई आ, ओ लाइन नूं सी ते कटती पई है। हाँ जी, जे फोर लाइना वा उच एम लाइन नूं ए ते कट्टन दई आ, एन लाइन नूं बी ते कट्टन दई आ, ते ओ लाइन नूं सी ते कट्टन दई आ, और पी लाइन नूं डी ते कट्टन दई आ। ठीक है बच्चो, हाँ जी ए हो गई साडी की आ ट्रांसवर्सल लाइन। हाँ जी, हुण फिर अगो इहदे मैं वख वख ही दस दिंदी हां तुहानूं, आ वेखो इहदी डेफिनेशन हुण मैं रिटन रूप च तुहानूं दस रही आ, पहला तुहानूं मैं ओरली दसदा ना फिगर तो ही, हुण रिटन रूप च वेखो। एल इज ए ट्रांसवर्सल लाइन टू लाइन्स एम एंड एन एज इट इज ए इंटरसेक्टिंग दैम एट टू डिफरेंट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली दिस डायग्राम। ठीक है, हाँ जी, हुण ए डायग्राम च वेखो इस विच की आ लाइन L is a transversal to lines M, N and O. ठीक है, इस तरह फिगर थर्ड से लाइन L transversal to लाइन M, N, O and P. ठीक है बच्चो, हुण तुहानूं इह तां पता लग गया भी ट्रांसवर्सल लाइन की आ। ठीक है, मतलब दो जे दो तो वध लैणा होवे तो उहनूं एक जिहड़ी लाइन आ ओह वख वख बिंदुआं ते कटदी होवे ते उहनूं ट्रांसवर्सल लाइन बोलदे आ। ठीक है, हुण बच्चो किसी कंडीशन च आपां थोड़ा जिहा शक पै जांदा भी इह ट्रांसवर्सल लाइन हैगी कि नहीं, ओह मैं तुहानूं इक एग्जाम्पल लै के दसनी आ। ठीक है, वेखो हुण इह फिगर नूं देखो। ठीक है, हुण वेखो इह फिगर जिहड़ी हैगी आ इह लाइन ट्रांसवर्सल लाइन आ। ठीक है, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਆ ਐਨ ਤੇ ਐਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਹੈਗੀ ਏ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੱਸੋ ਭਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੀ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ
के डिफरेंट पॉइंटा ते इंटरसेक्ट कट कर दी हो। हुण ए लाइना दो आ पर इको पॉइंट इंटरसेक्ट कर दी आ। हुण आपां रिटन रूप च लिखांगे लाइन एल इज ए इंटरसेक्टिंग लाइन एम एंड लाइन एन, इट इज इंटरसेक्टिंग दैम एट द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट मतलब इको पॉइंट ए एंड नॉट ए डिफरेंट पॉइंट, जो डिफरेंट पॉइंट नहीं आ। इसलिए लाइन एल इज नॉट ए ट्रांसवर्सल टू दीज लाइन्स। हाँ जी बच्चे, तुम ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन से चंगी तरह आ ही गई होगी। हाँ जी बच्चे, एग्जाम्पल के तौर पर तुम देख सकते हो रोड क्रॉसिंग टू और मोर रोड्स और ए रेलवे लाइन क्रॉसिंग सेवरल अदर लाइन्स, दीज गिवन एन आइडिया ऑफ अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, सब बच्चे डायग्राम से शो हो रहा वा। ठीक है ना, आखो ए जड़ी आवा लाइन वा तो आ जी की आ ट्रांसवर्सल लाइन आ, इस तरह रेलवे लाइन आ। ठीक है, आखो रेलवे लाइन जा रही ना तो इनू की आ, ए रेलवे लाइन की आ क्रॉस कर रही आ, ये एग्जाम्पल आ। ठीक बच्चो, हाँ जी बच्चो देखो ना, एंगल्स फॉर्म बाय ए ट्रांसवर्सल टू टू लाइन्स। ठीक बच्चो, ए ट्रांसवर्सल टी इज ए इंटरसेक्टिंग टू लाइन्स एल एंड एम एट डिफरेंट पॉइंट्स, एज ए रिजल्ट एट एंगल्स आर फॉर्म्ड। हाँ जी बच्चे, यदा मतलब की आ, वेखो जो ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, दो लाइना इंटरसेक्ट करती है एल अते एम लाइन वक् वक् पॉइंटा दे, ते एदा करन नाल एट एंगल जड़े आ बनते गए। ठीक बच्चो, किन्ने एंगल बनते आ, एट। जो वो एट एंगल केड़े आ, वेखो ए ट्रांसवर्सल लाइन आ, एल एम जड़ी आ मतलब कि ये केड़ी लाइन आ, इनू टू लाइन आ, ते इत्थे की कटदी आ इंटरसेक्ट करन दी आ। ठीक है, एदा एट एंगल बनते, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन एट। ठीक है बच्चो, एट एंगल बन गए। ठीक है, हुण आपां इन्हां एंगलों बारे जानना वा कि किहड़े एंगल अक्यूट आ, किहड़े एंगल ऑब्टूस आ। सॉरी बच्चो, हुण आपां इन्हां एंगल बारे ये जानना वा कि किहड़े एंगल एक्सटीरियर एंगल आ, इंटीरियर एंगल किहड़े आ, कोरसपोंडिंग एंगल किहड़े आ, अल्टरनेटर एंगल किहड़े आ, सो ऑन, इसे तरह। ठीक है, हुण इन्हां बारे आपां तुहानूं जानकारी देवांगे। ठीक है, हाँ जी देखो, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, केड़े आ, कहिंदे एंगल वन, एंगल टू, एंगल सैवन, एंगल एट। वेखो आ केड़े, वन टू सैवन एट, ये केड़े गया एक्सटीरियर एंगल। क्यों एक्सटीरियर एंगल, एंड लाइन आउटसाइड लाइन एल एंड एम, क्योंकि ये एल ते एम जिहड़ी लाइन आ इहदे बाहर बनदे आ। ठीक है, आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, मतलब कहन तो भाव आ कि जेडे एंगल एल एम लाइन तो बाहर बनते हैं, ठीक है, वो एक्सटीरियर एंगल है। इस तरह इंटीरियर एंगल, एंगल थ्री फोर फाइव सिक्स, ये इंटीरियर एंगल। क्यों इंटीरियर एंगल आ, क्योंकि ये लाइन एल ते एम दे विचकार बनते हैं, मतलब अंदर बनते हैं। एक्सटीरियर बाहर बनते हैं एल एम दे, ते इंटीरियर जेड़े आ एल एम दे अंदर बनते हैं, मतलब कि विचकार बनते हैं। देखो लाइन एल एंड एम आर कॉल्ड अ इंटीरियर एंगल। ठीक बच्चो, हाँ जी, उस तो बाद आ गई कोरसपोंडिंग एंगल्स। द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। हाँ जी बच्चो, इसका मतलब की है वा सेम साइड, मतलब इस आ ट्रांसवर्सल लाइन ना, इसकी सेम साइड केड़ी है, इधरली सेम साइड। ठीक है, आ इधरली सेम साइड। ठीक है, इहो गल करदे वा कि सेम साइड उत्ते जिहड़े एंगल, एंड वन ऑफ विच इज एन एक्सटीरियर एंगल एंड द अदर इज एन इंटीरियर एंगल। हाँ जी, की कहिंदा पिया वा कि ट्रांसवर्सल जिहड़ी सेम साइड आ, उहदा एक केड़ा लैणा आपां एक्सटीरियर एंगल ते दूजा लैणा वा इंटीरियर एंगल। हुण तुहानूं दस दित्ता गया एक्सटीरियर ते इंटीरियर केड़ा एंगल हुंदा। ठीक है, ए जदों आपां लवांगे ना, देखो
एंड बोथ ऑफ देम डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, पर यह भी कहता वा कि दोवें जड़े लीनियर पेयर च ना हो। लीनियर पेयर बारे भी तुहानू दस चुके हो आप, ठीक है, आर नॉन एड कोरसपोंडिंग एंगल। लीनियर पेयर एंगल किस तरह बोली था, इदा आ लीनियर पेयर, ठीक है। तुहानू लीनियर पेयर की डेफिनेशन दसी हुई आ कि कॉमन वर्टेक्स हुंदा वा, कॉमन लाइन हुंदी आ, ते जिहड़ी दूजी दो लाइना हुंदी आ वा ओ कॉमन लाइन दे मतलब ओपोजिट इस तरह हुंदी आ कि एक जिहड़ी रे आ ओ दूजी दे ओपोजिट होगी, ठीक है, आर नॉन एट कोरसपोंडिंग एंगल, ठीक है। द पेयर ऑफ कोरसपोंडिंग एंगल इन द अबव फिगर्स, देखो बच्चे तुहानू उन्होंने दिखा भी दिता वा कि जिहड़ा एंगल वन आ ओ फोर दा कोरसपोंडिंग आ, ठीक है, ते जिहड़ा टू आ ओ सिक्स दा कोरसपोंडिंग आ, ठीक है। हुण इधर फोर जिहड़ा एट दा कोरसपोंडिंग आ, थ्री जिहड़ा वा सैवन दा कोरसपोंडिंग, ठीक है बच्चे। नैक्सट, हाँ जी बच्चे, थोड़ा जो क्या आज देख लो कि एंगल सिक्स ते एंगल सैवन जरा फिगर दिता है, ठीक है, आर नॉट कोरसपोंडिंग एंगल। तो एंगल सिक्स इज ए इंटीरियर एंगल, एंगल सैवन जरा एक्सटीरियर एंगल हैगा वा, बट टूगैदर दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। हाँ जी बच्चे, जिस तरह मैं तुम्हें कहा ना एक गल कही भी एक एक्सटीरियर तो एक इंटीरियर हो, ठीक है, वो तो गल हैगी, पर नाल ही मैं नाल कहता कि लीनियर पेयर च ना आवे। जिदा मान लो कि यह एंगल आ एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर कंडीशन तो क्लीयर करता वा, पर दूजे बने कंडीशन क्लीयर नहीं करता क्योंकि उन्हें क्या लीनियर पेयर ना आवे, पर यह भी बनता लीनियर पेयर, ठीक है। हाँ बच्चे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, द इंटीरियर एंगल विच आर ऑन द ओपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ बच्चे, ये अल्टरनेट तो पहला तुहानू इंटीरियर एंगल मैं दस चुकी हाँ, तो बस आप इंटीरियर एंगल ही वेखना तो वो अल्टरनेट एंगल फाइंड करने, ठीक है। हाँ जी, की क्या वा कि जेडे इंटीरियर एंगल आ, ठीक है, जेडे कि ओपोजिट साइड उत्ते ऑफ द ट्रांसवर्सल ते एंड डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर च ना हो, वह कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जिसका इतने दसाया गया वा एंगल थ्री, एंगल फाइव, एंगल फोर का वा, एंगल सिक्स आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप डायग्राम से भी तुम दिखा देंगे, पहले मैं नाल दूजी डेफिनेशन पढ़ देव। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, द एक्सटीरियर एंगल्स ऑन विच आर ऑन द ओपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर आर कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल। हाँ जी बच्चे, ये इंटीरियर एंगल वाल ध्यान देना, तो इधर एक्सटीरियर एंगल वाल ध्यान देना, ठीक है। हाँ जी, जिस तरह कि तुहानू दस्या गया एंगल वन जड़ा, एंगल जड़ा सैवन, टू जड़ा एट आर पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है बच्चे। जिस तरह के यह डायग्राम च बने वह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ बच्चे, देखो ए इंटीरियर एंगल ना थ्री फोर फाइव सिक्स, सिर्फ आप आ फोर नहीं वेखना वा अंदरले एंगलों में, एल थ्री जरा फाइव का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ, फोर जरा सिक्स का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जो एक्सटीरियर की गल की जाती है तो जो लाइन तो बाहर जो बने हुए हैं उंगलों उन्होंने वेखना, वन टू सैवन तो एट इन एंगलों वेखना। कुछ इस तरह एक होर जोड़ा है पापा को, ठीक बच्चे, हाँ जी बच्चे, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। हाँ जी बच्चो, ये आप दसना है वा कि इस इंटीरियर एंगल का जोड़ा दसना वा ट्रांसवर्सल दे सेम साइड पर बने हुए, सेम साइड पर मैं तुम्हें दसिया कि नहीं है, इस एंगल थ्री जरा एंगल सिक्स आ, एंगल फोर जरा वा एंगल फाइव का पेयर आ, ठीक है बच्चे। आप डायग्राम के थ्रू भी इन देख सकते हैं।
ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਆ 3, 4, 5, 6 ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਵੇਖਣੀ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਕਿਹੜਾ 3, 6, 4, 5 ਠੀਕ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਂਗਲਸ ਮੇਡ ਬਾਏ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਟੂ ਟੂ ਲਾਈਨਸ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਐਂਗਲਸ ਫੋਰਮਡ ਬਾਏ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਟੂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਠੀਕ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਂਗਲ ਫੋਰਮਡ ਬਾਏ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪੈਰਲੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟੂ ਲਾਈਨਸ ਠੀਕ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਲਾਈਨ ਸਾਰੀ ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਟੂ ਲਾਈਨਸ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗਏ ਆ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਟੀ ਇਜ਼ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਟੂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਐਲ ਐਂਡ ਐਮ ਐਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਤੋ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਟੂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਾਂ ਠੀਕ ਬੱਚਿਓ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਗੈਪ ਆ ਠੀਕ ਆ ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ 8 ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ਅਤੇ 8 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਠੀਕ ਆ ਜਦੋਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਠੀਕ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿਕਸ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਵੇਖੋ ਆਹ ਕੀ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨ ਆ ਟੀ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਟੂ ਲਾਈਨਸ ਆ ਐਲ ਅਤੇ ਐਮ ਇਸ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ ਆ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ਅਤੇ 8 ਠੀਕ ਆ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਡਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਫਸਟ ਵੇਖੋ ਇਹ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਐਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਐਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਐਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 1 ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 7 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਆ ਉਹ 8 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਠੀਕ ਆ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ 5 ਆ ਉਹ 3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ 4 ਜਿਹੜਾ ਵਾ 6 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਹੈਗੇ ਐਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅੱਛਾ ਨੈਕਸਟ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਠੀਕ ਆ ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ 1 ਜਿਹੜਾ 5 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 6 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 8 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ 3 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 7 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਠੀਕ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਆ ਇਕੁਅਲ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਇੱਧਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੋ ਨਾ ਇਹ 2 ਅਤੇ 1 ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਸੇਮ ਵਰਟੈਕਸ ਹੋਵੇ ਕੋਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਆ ਉਹ ਦੂਜੀ ਰੇ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਮਨ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਬੱਚਿਓ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ
हूँ जो आप इनू प्लस करा 180 आजूगा ना। ठीक है, हाँ बच्चे हम अपना इस तरह लिखता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री, ठीक है, लीनियर पेयर आ। इस तरह एंगल 3 प्लस एंगल 4 है ना 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर आ। इस तरह ही एंगल 5 प्लस 6 भी आ, इस तरह ही एंगल 7 प्लस 8 आ लीनियर पेयर। ठीक है बच्चे, हूँ आप फिफ्थ पार्ट देखा। ठीक है, ये वेखो जिहड़ा लाइन ते, हाँ बच्चे जिस तरह के यह एंगल जिहड़ा 3 आ एंगल 6 इन्हां दोनों नूं प्लस करके बनता लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, इसका 4 ते 5 नूं ऐड करिए 180 डिग्री। नाल जिहड़ा दस्सिया सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल 180 डिग्री। ठीक बच्चे, हाँ जी, इहदा मतलब की निकलिया वा कि इंटीरियर एंगल जिहड़े सेम साइड वाल बनते हैं। ठीक है, जो उन्होंने आप प्लस करते हैं तो वह किल होंगे 180 डिग्री के इक्वल होंगे। बच्चे हूँ आप करेंगे चैकिंग पार द पैरेलल लाइन। ठीक है बच्चे, जिसका आप उपर किया कि पैरेलल लाइन दिती होना एक ट्रांसवर्सल लाइन हो। ठीक है, मतलब एक ट्रांसवर्सल लाइन जी पैरेलल लाइन इंटरसैक्ट करती हो एंगल अपा इक्वल लभे से। ठीक है, कि कोरसपोंडिंग लभे से, कि अल्टरनेट अपा एंगल लभे से। ठीक है, कि सेम साइड वाले एंगल लभे से। ठीक है, हूँ ये उल्ट गल कर गया वा, हूँ अपन एंगल दिते हो। ठीक है, आप वेखना है कि पैरेलल लाइन्स हैगी आ कि नहीं हैगी। बच्चों जो आप पैरेलल लाइन बारे पहला डिस्कस कर चुके हैं वो एंगलों बारे, बस उदा ये उल्टी आ। ठीक है, जे सानू कोरसपोंडिंग एंगल इक्वल लभ गए तो आप कहोंगे लाइन पैरेलल आ, जे अल्टरनेट एंगल आप लभ गए इक्वल तो आप कहेंगे लाइन पैरेलल आ। इस तरह ट्रांसवर्सल दे सेम साइड ते जिहड़े इंटीरियर एंगल बने से उन्होंने प्लस करके देखांगे, तो जे उन्होंने जिहड़ा वा एडिंग 180 आउंदी आ तो पैरेलल लाइन। ठीक है, बस तां मैं दसदा हुण तां विटर रूप से एक वारी पढ़ देवा। वैन ए ट्रांसवर्सल कट टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ कोरसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल दैन द लाइन हैव टू बी पैरेलल। ठीक है, की क्या उन्हें कहा कि जो एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइनों नूं कटदी आ, ठीक है, इस तरह कोरसपोंडिंग पेयर जिहड़े बनते आ वो इक्वल हैं तो जी लाइन जी पैरेलल आ। नैक्सट, वैन ए ट्रांसवर्सल लाइन कट टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल द लाइन्स हैव टू बी पैरेलल। ठीक है, हाँ जी, इतने भी यो गल गई आ कि जो एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइनों कटती है जो अल्टरनेट एंगल जो इक्वल हो तो वह जी लाइन पैरेलल आ। ठीक है, इस तरह बच्चों वैन ए ट्रांसवर्सल कट टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। ठीक है बच्चे, हूँ आप करेंगे चैकिंग फॉर द पैरेलल लाइन्स। ठीक है बच्चे, जिसका आप उपर किया कि पैरेलल लाइन दिती होना एक ट्रांसवर्सल लाइन हो। ठीक है, मतलब एक ट्रांसवर्सल लाइन जी पैरेलल लाइनों इंटरसैक्ट करती हो एंगल अपा इक्वल लभे से। ठीक है, कि कोरसपोंडिंग लभे से, कि अल्टरनेट अपा एंगल लभे से। ठीक है, कि सेम साइड वाले एंगल लभे से। ठीक है, हूँ ये उल्ट गल कर गया वा, हूँ आप एंगल दिते हो। ठीक है, आप वेखना है कि पैरेलल लाइन्स हैगी आ कि नहीं हैगी। बच्चों जो आप पैरेलल लाइन बारे पहला डिस्कस कर चुके हैं वो एंगलों बारे, बस उदा ये उल्टी आ। ठीक है, जे सानू कोरसपोंडिंग एंगल इक्वल लभ गए तो आप कहोंगे लाइन पैरेलल आ, जे अल्टरनेट एंगल आप लभ गए इक्वल तो आप कहेंगे लाइन पैरेलल आ। इस तरह ट्रांसवर्सल दे सेम साइड ते जिहड़े इंटीरियर एंगल बने से उन्होंने प्लस करके देखांगे, तो जे उन्होंने जिहड़ा वा एडिंग 180 आउंदी आ तो पैरेलल लाइन। ठीक है, बस तां मैं दसदा हुण तां विटर रूप से एक वारी पढ़ देवा। वैन ए ट्रांसवर्सल कट टू लाइन
such that pair of corresponding angles are equal, then the line have to be parallel. ठीक है कि क्या उन्हें क्या कि जो एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइनों को कट दिया, ठीक है, इस तरह कॉरस्पोंडिंग पेयर से जो बनते हैं वो इक्वल हैं, तड़ी लाइन जी पैरेलल है. नेक्स्ट, व्हेन ए ट्रांसवर्सल लाइन कट टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर इन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल द लाइंस हैव टू बी पैरेलल. ठीक है, हाँ जी, इतने भी यो गल गई है कि जो एक ट्रांसवर्स लाइन दो लाइनों कटती है जो अल्टरनेट एंगल जो इक्वल हो तो वो जी लाइन पैरेलल है. ठीक है, इस तरह बचो वैन ए ट्रांसवर्स कट टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड. ठीक है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सर आर सप्लीमेंट्री द लाइन्स हैव द पैरेलल. ठीक है, सप्लीमेंट्री के 180 degree. ठीक है बच्चे, हाँ जी, इधर चीज़ लाइन दिखती है पैरेलल लाइन है, मैं तुम दिखाई है वा. ठीक है, और पैरेलल लाइन तुम की देख रहे जो कि एक इतने वन एंगल बनता 90 degree का, तो एंगल टू भी बनता वा 90 degree का. जे मैं सेम साइड वाले एंगलों प्लस कर दी है, ठीक है, तो इन्हों का जोड़ की होंगे 180 degree, क्योंकि तुम पता 90 एंगल बनया, ए भी 90 का एंगल बनया. ठीक है बच्चे, ये नाल की आ साड़ी जी चैकिंग होगी ऑफ द ट्रांसवर्सर आर सप्लीमेंट्री द लाइन्स हैव द पैरेलल. ठीक है, सप्लीमेंट्री होंगे 180 degree. ठीक है बच्चे,